नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जोरदार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चल रहा है पूरे दमखम के साथ। यूपी के बड़े नेता बीजेपी के पक्ष में जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के साहिबाबाद में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलने पहुंचे, जहां जनता ने फूल मालाओं के साथ सीएम योगी का स्वागत किया। गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव समेत विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, पलायन होता था। उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बार फिर वायदे आजम कहकर तंज कसा। आज हम समाजवादी सरकार के जुमलों की बात करेंगे, रामपुर के साथ साथ आजम खान की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर क्या अटैक किया, एक बार आपके सामने रखते हैं। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था, बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने पहली घोषणा की थी, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी, पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फरक साफ है, सीएम योगी केवल डोर टू डोर कैंपेन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ट्विटर पर भी लगातार एक्टिव हैं। आप जानते हैं डिजिटल वॉर ट्विटर के जरिए चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए एक के बाद एक लगातार 6 ट्वीट किए, जिसमें उनके निशाने पर अखिलेश यादव रहे। उन्होंने 2012 में सपा सरकार के वक्त की याद दिलाते हुए लिखा, सपा राज में दंगे होते थे, सपा के राज में पलायन होता था, माफियाओं का राज था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आगे बढ़िए, आतंकियों का समर्थन करते थे, उनके समय में बिजली नहीं आती थी ताकि अंधेरे में चोर आसानी से चोरी करके फरार हो सके। ये देखिए, एक के बाद एक कई सारे ट्वीट सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने किए और लगातार एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार क्यों जरूरी है? वो बार बार पुरानी सरकार यानी समाजवादी सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उनका हवाला देते हुए ये ट्वीट करते हैं। इस बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है और यह बहुत दिलचस्प है। अपना दल ने रामपुर की सुवार सीट से हैदर अली खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। हैदर अली खान समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एनडीए के प्रत्याशी होंगे। हैदर अली खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं से सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और साथ ही कांग्रेस पार्टी से पंकज श्रीवास्तव और बहुजन समाज पार्टी से मलूक नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की ओर से और बीजेपी की ओर से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं विरोधियों की राय जान लेती हूं क्योंकि एनडीए के गठबंधन से एक टिकट यहां से हैदर अली को मिला है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं मलूक नागर जी आप ही के साथ करती हूं। अब एक ऐसी सीट से हैदर अली को मैदान में उतारना जो कि रामपुर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत गढ़ है, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट बना मुस्लिम कैंडिडेट करना, आपकी पॉलिटिकल आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? देखिए, तो हर पार्टी को पूरी आजादी है समीकरण देख करके वो अपना कैंडिडेट उतारे, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो जाहिर है कि उन्होंने अपना मुस्लिमों की आबादी को देखकर ही उतारा होगा। और इस बारे में तो जिस पार्टी ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है गठबंधन से, या जो भाजपा के सहयोगी हैं उन्होंने मुस्लिम उतारा है, इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं।
नहीं, मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहां पर आप राजनीतिक समीकरण क्या देख रहे हैं, यहाँ की लड़ाई आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि रामपुर जैसा कि आपने खुद ने जिक्र किया मुस्लिम बाहुल इलाका है, समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद है। हमने अब्दुल्ला आजम के ऐसे बहुत सारे वीडियोज देखे, खासतौर पर आपके भी नजर में आए होंगे, जिसमें वो रो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे केस लगाकर हम पर षड्यंत्र के तहत हमें जेल में भेजा गया, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की सिंपथी के साथ जनता जाती है? देखिए, हमें तो इतना पता है कि जो दलित भी वहां मुस्लिमों के बाद में सेकेंड नंबर पे दलितों की आबादी है, और दलित जितना ज्यादा इकट्ठा होके हमारे पास आ जाएगा, और इन दोनों में मुस्लिम कैंडिडेट जो गठबंधन जो सपा और लोकदल का है या भाजपा और जो अनुप्रिया पटेल का है, उनका जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम बट जाएंगे, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि ट्राइंगल में हमारी जीत की सिचुएशन बन जाएगी। तो ये हमारे लिए तो अच्छा संकेत है। आप ट्रायंगल फाइट कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में है। देखिए, कांग्रेस तो 30 साल से उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है, और कांग्रेस के बारे में जो भाजपा के लोग बैठ करके बात करते हैं, वो पूरे देश की परिस्थितियों को देखकर और इस उत्तर प्रदेश के साथ जो देश के अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां को ध्यान में रख करके बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात अगर कर रहे हैं और उसको चारों तरफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, खुद की राय के हिसाब से, ये ठीक नहीं है। आप अपना एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, आपको भी आजादी है और सबको आजादी है बोलने की। देखिए, हमारे से पंकज श्रीवास्तव जी बैठे हैं। देखिए, अभी तक मलूक नागर जी कह रहे थे कि ये ट्रायंगल फाइट है, मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया तो उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस चुनाव में नेग्लिजिबल है? देखिए, जब मलूक नागर जी हंस रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कई बार हंसी किस कदर हास्यास्पद होती है उसका यह बेहतरीन नमूना है। अरे भाई, रामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, रामपुर उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहां किसानों का बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चला, साल भर चला। कौन सी पार्टी सड़क पर थी? किस पार्टी ने पहले दिन से किसानों के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया? हाथरस तो वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ना, जहां एक दलित की बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसे जला दिया गया बिना उसके परिवार की मर्जी के। वहां सड़क पर कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी, प्रियंका गांधी थी। बहन जी तो कहीं नहीं दिखाई पड़ी, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। आगरा भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहां पे अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया, अरुण वाल्मीकि की जान ले ली गई हिरासत में, बहन जी तो नहीं नजर आई, कांग्रेस पार्टी नजर आई, प्रियंका गांधी नजर आई। तो पिछले 3 सालों से लगातार अगर सड़क पर विपक्ष के रूप में कोई पार्टी संघर्ष कर रही है सड़क पर, और मजबूरी में ऐसे ही मीडिया को यह बात दिखानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। आज लोग चुनाव लड़ने जो आए हैं, अचानक चुनाव में सक्रिय हो गए हैं, जिनका पूरा इतिहास भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण कर रहा है, 3-3 बार मिलकर सरकार बसपा ने बनाई है इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, वो कांग्रेस पर हंस रहे हैं। अरे, उन्हें तो अपनी स्थिति पर हंसनी चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के साथ किस तरह विश्वासघात किया, किस तरह दलितों की जो पूरी लड़ाई इस देश में, उनकी अस्मिता की लड़ाई है, आज पूरा जो निजी क्षेत्र है वहां बढ़ता चला जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, कहीं बहन जी सड़क पर नजर नहीं आई, और ये हम पर हंस रहे हैं। अरे, आप अपने पर हंस रहे हैं, आप आंदोलन के कांशीराम के मिशन पर हंस रहे हैं। महाराज, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर जी, पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर वादी होने का ढोंग आप लोग रचते हैं, पूरे टाइम सड़क पर तो आप नजर आए नहीं, और अब आप कांग्रेस को लड़ाई से बाहर बताते हैं। मीनाक्षी जी, मेरे पार्लियामेंट में 9 महीने 11 दिन कोरोना से पहले हैं, और अभी तक 350 करीब पार्टिसिपेशंस हैं, और जो गन्ने पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17 बार मैंने इश्यूज उठाए हैं, और जब पार्लियामेंट में किसानों की बात चल रही होती है तो ये कांग्रेसी अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, वहां पे मौजूद भी नहीं रहते। और जहां तक बात सड़कों की है, हम टेलीविजन पे दिखना, फोटो खिंचवाना, अखबार में छपने में विश्वास नहीं रखते, बंद कमरे और बंद हॉल में अपने कैडराइज करके और बूथ तक के अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएंगे तो पता लग जाएगा क्या स्थिति है।
ठीक है मलूक नागर जी, पंकज श्रीवास्तव जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी जुड़ गए। दयाशंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अब दयाशंकर जी, हाँ थोड़ा फ्रेम भी स्टेबल हो गया है। दयाशंकर जी, अभी हम बात रामपुर की कर रहे हैं, रामपुर की स्वार सीट की कर रहे हैं, जहां से आपके गठबंधन के सहयोगी अपना दल के हैदर अली चुनावी मैदान में अपना दल ने उतारने का ऐलान किया है। यहां पर अभी तक ये जो चर्चा हुई है उसमें कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम भले ही कितना वहां पर करने की कोशिश कर ले, लेकिन दलित वोट तो बीएसपी ले जाएगी, क्योंकि दलित भी वहां पर बहुतायत में है। नहीं, देखिए 2017 के चुनाव आप देखिए तो 2017 में हम लोग ने 325 सीटें प्राप्त किए थे, उसमें दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था। उनके वोट के आधार पर ही जो हम 325 सीटें जीते थे। क्या 325 सीटें समाज के हर वर्ग के लोग यदि साथ नहीं दिए होते तो क्या 325 के आंकड़ा हम पार कर पाते? नहीं, लेकिन वो जो 325 का आंकड़ा दयाशंकर जी आप लोगों ने हासिल किया था, बहुत से सहयोगी आपके पास बीएसपी से टूट कर आए थे, जब आपसे टूटकर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि केवल जो है मात्र जो है दो तीन लोग गए हैं, वो भी किसी न किसी कारणवश से, अपने व्यक्तिगत कारणवश उनके जो है। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपका दुरुस्त कर दूं, दो तीन नहीं गए, एक दर्जन चले गए हैं। 2017 के साथ 2019 की बात भी कर लो। देखिए 2014 से लेकर के 2019 तक की बात कर लीजिए, आजादी के बाद 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने वोटों से जीते थे अपने काम के बल पर, 2019 में उसे ज्यादा ताकत से जीत करके आए थे। उसी तरह से 2017 में 325 सीटें जीते थे, इस बार मोदी जी और योगी जी के दोनों लोगों के कार्य के आधार पर हम इस बार 350 सीटें पार करेंगे। लीजिए, अब पंकज श्रीवास्तव जी, आप लोग की पार्टी अक्सर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, सबका साथ सबका विकास और विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों से दूरी बना के रखते हैं। स्वार सीट से तो हैदर अली जा रहे हैं ना चुनावी मैदान में सहयोगी? पहली बात तो स्वार सीट पे अपना दल से है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। मैंने तभी बोला सहयोगी सही है कि उनका क्या। नहीं, आप इस फर्क को समझिए, अपना दल किसको लड़ाएगा, कहां लड़ाएगा, ये योगी जी नहीं तय करेंगे। उन्होंने सीटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देती है हम देखेंगे, और अतीत में भी हमने देखा है। लेकिन अभी दयाशंकर सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि योगी जी और मोदी जी इन दोनों ने जो काम किया है उसके आधार पर वो ज्यादा इस बार समर्थन पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इनके काम की समीक्षा कर ली जाए, और ये समीक्षा हो गई है। इन्हीं की पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, और उसके साथ नीति आयोग है जो बताता है कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे गरीब प्रदेशों की जो सूची है उसमें तीसरे नंबर पर ला दिया है। और सबसे गरीब प्रदेश कौन है? वो बिहार है, जहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार भी इनके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट एक और नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है जिसने बताया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कोरोना काल में तो हमने देखा कि लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरे हैं, तड़प तड़प कर मरे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे, यानी किसड्डी पूरे देश का आंकड़ा है सबसे खराब, अगर कोई है उत्तर प्रदेश। हाँ, झूठ। अच्छा, लेकिन माफ कीजिएगा पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन कोरोना काल में ही बिहार के चुनाव भी, आप बिहार तक पहुंच गए इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, कोरोना काल में ही बिहार के चुनाव भी हुए। अगर वाकई में इतनी निराशा थी, इतना ही हतोत्साहित थी वहां की जनता, तो फिर क्यों सरकार को रिपीट कराती, पहली बात। और दूसरी बात, आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, कोई तो वजह रही होगी कि कांग्रेस पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में 30 साल से आप लोग सरकार से सत्ता से बाहर हैं, और आगे भी परिस्थिति कितनी आपके अनुकूल होगी उस पर भी सवाल ये निशान है। मैडम एंकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पक्ष रखने के लिए मीनाक्षी नाम हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मीनाक्षी जी, राजनीति में सफलता पाने के क्या तौर तरीके हैं, या तय कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा है, जो इनका काम काज है, उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, वो रिजल्ट नीति आयोग दे रहा है। नीति आयोग कोई विपक्ष का नहीं है। अगर वो कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश फिसड्डी है तो फिसड्डी है, अगर वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, आ रही हूँ दयाशंकर जी, आ रही हूँ मलूक जी आपके पास। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, तो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या और अपहरण होते हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का जो है ये डाटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और सुनिए, अभी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अपने देते हैं, उन्होंने बताया कि ये माफिया की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर अपराधी कोई विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें जयशंकर जी क्या चिंता जयशंकर जी, एडीआर की रिपोर्ट से लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट से लेकर सारी रिपोर्ट आपके सामने रख दी। पंकज जी कह रहे हैं कोरोना का इन्होंने जिक्र किया, कोरोना का जिक्र किया, ये कोरोना काल में योगी जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं आज दुनिया में उनके मैनेजमेंट की प्रशंसा हो रही है। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है कि योगी जी जैसा मैनेजमेंट कोई भी देश के लोगों ने नहीं किया। आज दुनिया में योगी जी के उत्तर प्रदेश के कोरोना नहीं, के आरोप ये है जयशंकर जी, आरोप ये है कि आप ये कह रहे हैं कि दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, बनाया है और आगे भी बनाएंगे, और ये कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। अब मीनाक्षी जी ये कह रहे हैं ये कोरोना में इनकी नेता माननीय सोनिया गांधी जी एक दिन अपने पार्लियामेंट में नहीं गई, वहाँ के लोग मर रहे थे, अरे इसका एक मार भी देखने के लिए तक नहीं गई। और आज उसी का कारण है, आज उसी का कारण है जिनके दो दो विधायक माननीय सोनिया गांधी के दो दो विधायक आज उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ये कोरोना में क्या बात करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी जब करना चाहते थे। मलूक नागर जी देखिए, मायावती तो कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रही है, जिन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया, मतलब लड़ाई लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया, अब वो किस तरीके की चुनौती की बात करें मलूक जी। आज कांग्रेस इसीलिए ठीक है जयशंकर जी, आपकी बात हो गई मलूक जी। पहले वहाँ समाप्त हो रही है, पहले तो मैं जो हमारे दोनों साथी आपस में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये डिबेट पे बैठने की स्थिति में है कि जो दोनों रुक ही नहीं रहे बोलने से। जयशंकर जी आप शायद सुन नहीं पा रहे, अभी मलूक नागर जी जवाब ले रही हूं मैं उनसे। मलूक नागर जी जी बोले प्लीज। देखिए जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं पंकज श्रीवास्तव जी, ये कह रहे हैं कोरोना कार्यकाल के बाद में खिलाफत है इसलिए शायद इनकी बढ़िया स्थिति रहेगी। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं इनके प्रदेशों में क्या स्थिति है, ये जो बात कह रहे हैं दलितों की, ये अपने प्रदेशों में दलितों की क्या स्थिति है वहां संभालने, उत्तर प्रदेश के और बाकी देश के दलितों की स्थिति संभालने के लिए कुमारी बहन मायावती जी हैं। मुझे देखिए आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप राजस्थान की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं इस सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगी, लेकिन अब अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी स्वागत है आपका, आप थोड़ी सी देरी में जुड़े हैं। अब बात चर्चा चल रही थी रामपुर की, जहां पर आप मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कैंडिडेट की लड़ाई वहां पर देखने को मिल सकती है। पहले तो आप ये स्थिति स्पष्ट कर दें, स्वर से अब्दुल्ला आसम चुनाव लड़ रहे हैं ना? मैंने आपका सवाल क्या, आप सवाल पूछिए पहले। स्वर से अब्दुल्ला आसम चुनाव लड़ रहे हैं ना, क्यों कर रही है? ये सवाल ही तो है। हां तो लड़ रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? हां अब अगली बात, मैं सवाल नहीं समझ पाया। नहीं मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने आपसे सवाल पूछा। अब आप ये बताइए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अनुराग भदौरिया जी हैदर अली अपना दल के कैंडिडेट हैं और वो अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। अब मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम फाइट है, आप इस लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश की जनता, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि जितना दर्द उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है 5 सालों में, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं। जिस तरह से किसानों को रौंदा गया, जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से नौकरी मांगने वाले युवाओं पे लाठी चार्ज हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, भू माफिया पैदा हुए यहाँ पे, शराब माफिया पैदा हुए, और जिस तरह से अपराधी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते नजर आए, जो अपराधी जेल के अंदर होने चाहिए थे वो अपराधी क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कोविड काल में किस तरह से। और बीजेपी ये कह रही है जो बेल पर है वो आपके कैंडिडेट है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आलम है कि इनके मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे थे, वो बताएं कौन कौन से आपराधिक मुकदमे थे, अगर बीजेपी प्रवक्ता बता दें। वो ऊपर अपने अपने आपराधिक मुकदमे हटा रहे थे, इनके जो डिप्टी सीएम थे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे,
और जो इनके वहां चुनाव लड़ रहे संगीत सोम से लेकर सुरेश राणा के ऊपर में आपराधिक मुकदमे थे, जेल गए थे, वो उनके ऊपर कौन से आपराधिक मुकदमे थे? और ऐसा ही क्यों होता है, भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है, इसका काम है दंगा भड़काना, यहाँ जाति धर्म के बीच में नफरत पैदा करके सत्ता पाना, ये तो विकास की राजनीति करती नहीं है। इनको विकास के नाम पे पूछो तो ये इनको दिन में तारे दिखने लगते हैं, ये लेफ्ट राइट देखने लगते हैं कि हमने कौन क्या कोई नई बात कर दी, ऐसा लगता है कोई एलियन बोल गया कि विकास का नाम इनको बोलो तो इनके हाथ पैर सूज जाते हैं, इनको लगता है पता नहीं क्या बात बोल दी। अरे महंगाई यहाँ डीजल पेट्रोल 100 के पार है, बताइए कैसे आदमी जिएगा। लीजिए आप उन्हें दंगाई कह रहे हैं, जयशंकर जी अनुराग भदौरिया कहते हैं कि आपकी पार्टी में दंगाई भरे पड़े हैं, दंगे आप करवाते हैं। अनुराग जी ये सही कह रहे हैं, अनुराग जी सही कह रहे हैं, इनके नेता तो आतंकवादियों को भी बिरयानी खिलाते थे। जब इनके नेता मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आतंकवादियों को दंगाइयों को तो छोड़ दीजिए, जो आतंकवादियों को भी बिरयानी खिलाते थे और आतंकवादियों को भी केस समाप्त करने करते थे, ये क्या बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है, कोई व्यक्ति चाहे वो किसी समाज का हो किसी वर्ग का हो अपराधी है तो आज अपराधियों का जगह कहाँ है, या तो जेल में या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं लोग। और पहले 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 आप देखे होंगे यही अपराधी बात पूरी हो जाए कार्यालय तक चले जाते थे, आज वही पुलिस आज इनको केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, ये कोई आज अपराध मुक्त कर दिया वही पुलिस ने। अब पहले डीजीपी से जेल में से डीजीपी से मिलने जाते थे इनके अपराधी, गए थे कि नहीं गए थे, ये आप ही के मीडिया मुख्तार अंसारी डीजीपी से मिलने जाया करते थे, ये उस सरकार जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी, दयाशंकर जी मैं हिम्मत हो और आपको मैं मान जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता 4-10 माफिया के नाम बता दो पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बनारस में कौन बड़ा माफिया जरा अपने मुंह से नाम ले देना, जौनपुर का कौन माफिया अपने मुंह से नाम ले दीजिए, इतना ही ले दीजिए आप 10 टॉप सुल्तानपुर से लेके बनारस तक टॉप 10 माफियाओं का नाम अगर ले सकते हैं हिम्मत जुटा सकते हैं तो क्या मानते हैं आप, अब नहीं ले पाएंगे 10 माफिया का नाम मैंने बोला है। अहमद को क्या मानते हैं? अरे आप 10 मैं पूछा 10 माफिया का नाम लो तो आप धो पे अटके पड़े हो, मैं कह रहा हूँ 10 माफिया का नाम लो ना हिम्मत नहीं है ना, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के माफिया है वो, भारतीय जनता पार्टी के माफिया। एक मिनट सुनिए, आपने सवाल पूछा अनुराग जी, चलिए 5 नाम गिना दीजिए ना दयाशंकर जी, 5 नाम गिना दीजिए, आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, आप 4 नाम और गिना दीजिए। बीजेपी यादव, उमाकांत यादव, अरे रमाकांत मामा तो माफिया मिल रहे हैं आपको, नहीं ले पाए नाम, उमाकांत यादव कौन है, कुंटू कौन है, विजय मिश्रा कौन है, और कितने बताए बताइए। अब अनुराग जी आपने देखे नाम पूछे, 5 उन्होंने गिना दिए, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए मैंने 10 बोले थे वो डर के मारे बोली नहीं पा रहे, आपने 5 बोले फिर आपने 10 कर दिए, कि जो माफिया है उनका नाम नहीं ले रहे, उमाकांत रमाकांत आपको माफिया नजर आ रहे हैं, वो अगर माफिया होते तो जेल में होते, बाहर हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, माफिया नजर आ रहे हैं, आप नाम नहीं ले पा रहे जो जेल में, कौन कौन जेल में है, जेल में कौन है, बनारस की जेल में कौन है, आपको पता नहीं अनुराग भाई कौन माफिया है, बताओ नाम लो ना, 15 साल से जेल में बंद है, जेल के अंदर माफिया नाम लो ना, 15 साल से जेल में बंद है, माफिया क्रिकेट खेल रहा था 25,000 का इनामी नाम ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो ना, 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा था और आज तक उसको आपने गिरफ्तार नहीं किया, 25,000 का इनाम है, फरार है, नाम नहीं ले पा रहे हो, क्या नाम है उसका, अच्छा क्या नाम है, देखिए अनुराग जी आपने दयाशंकर जी से नाम पूछे लेकिन लग रहा है मुझे कि मलूक नागर जी के पास लिफ्ट ज्यादा लंबी है, मलूक नागर जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पूरा देश देख रहा है, प्रजातंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था में पूरे संसार में हमारे देश का बहुत बड़ा नाम है, जहां पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पता है बहस क्या हो रही है कि किसके पास आतंकवादी हैं, किसके पास बाहुबली हैं, किसके पास गैंगस्टर ज्यादा है, कोई कह रहा है ये दंगाइयों को बिरयानी खिलाते हैं, कोई कह रहा है उग्रवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, इसी चुनाव का फायदा हमें मिलने वाला है
क्योंकि इनकी बहस देश में विकास कैसे हो, कोरोना महामारी के बाद भुखमरी फैल रही हो कैसे हो, शॉर्ट आउट जो बेरोजगारी है उसका इलाज क्या हो, देश की इकोनॉमी मर गई कैसे बढ़े, प्रदेश की इकोनॉमी कमजोर पड़ रही है कैसे बढ़े, लोगों को रोटी कैसे मिले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस पर चर्चा नहीं है। किसके पास कितने बाहुबली है इस पर चर्चा कर रहे हैं। यही है जो पूरे वर्ल्ड में हमारा छवि खराब हो रही है, देश की भी और प्रदेश की भी। इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए जिससे देश के लोगों को रोटी मिले। ये कहने की बात तो बहुत अच्छी लगती है मलूक नागर जी कि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब टिकट वितरण का वक्त आता है तब जाति भी देखी जाती है, धर्म भी देखा जाता है, सामाजिक समीकरण भी देखा जाता है और फिर टिकट बांटे जाते हैं। अब ये तो गलत नहीं मैं कह रही हूँ ना, लेकिन जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तब आपने जाति देखी जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं मलूक नागर जी आप ही के सवाल के साथ में अनुराग जी के पास जा रही हूँ। देखिए, जब मैंने मलूक नागर जी से पूछा था, क्योंकि आप उस वक्त डिबेट में जुड़े नहीं थे इसलिए आप सुन नहीं पाए होंगे, सवाल ये था कि एक तरफ आप अब्दुल्ला आजम को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, अपना दल की ओर से हैदर अली चुनावी मैदान में होंगे। मलूक नागर जी ने कहा कि आप मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम करते रहिए, लेकिन वहां पर दलित वोटों की संख्या बड़ी है और हम उनके साथ कब वहां की सीट जीत ले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, कानोकान खबर नहीं होगी। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर में सभी जात धर्म के लोगों ने इस बात तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। इसलिए सब लोग कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधी बा, उत्तर प्रदेश में जनता बेरोजगार बा, जनता तंगी के हाल में बा और जनता परेशान बा, बीजेपी के नेता मौज में बा, यही से बार जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा, भाजपा के हार बा। तो इसलिए आपको इस बात का एहसास हो गया होगा, उत्तर प्रदेश की जनता पुकार रही है, इस बार अखिलेश यादव का प्रहार होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता खुलेगा, महंगाई बेरोजगारी कम होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, जो सेवाओं को लाठियां पड़ रही हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, और माफिया जेल के अंदर होंगे, भू माफिया जेल के अंदर होंगे, शराब माफिया जेल के अंदर होंगे, और जो महिलाओं बेटियों को छेड़ा है जिन्होंने, वो भी जेल के अंदर होंगे, रोंदने वाले भी जेल के अंदर होंगे, जो किसानों को रोंद के बचते जा रहे हैं, जिनको आप बचा रहे हो, देश के गृह राज्य मंत्री जो जिनके बेटे ने रोंदा है किसानों को चोर डकैत मवाली जिनको बोला है, और जो पेंशन पुरानी है वो भी वापस होगी, पेंशन लोगों को पेंशन मिलेगी जिससे उनका जो रिटायर होने के बाद एक उम्र के बाद सम्मान पूर्वक जी पाए, और यहाँ महिलाओं का सम्मान होगा, 300 यूनिट हम यहाँ बिजली फ्री देंगे जो आप नहीं कर पाए, और बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे आपकी तरफ फर्जी नहीं होगा, और आईटी में रोजगार मिलेगा, आईटी इंडस्ट्री में 20 लाख लोगों को रोजगार। बिल्कुल, आपकी सारी बातें जनता सुन रही है, लेकिन जनता भी पूछ रही है अखिलेश जी कब दूसरी लिस्ट अभी तक नहीं आई। अरे दूसरी लिस्ट आ गई बा, चिंता मत करा, देखिए लड़े के बार वो लड़ता ओके भी फॉर्म मिल गई बा, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं खे बानी, जब मार्केटिंग इवेंट करा लिस्ट आ गई बा, कैंडिडेट नॉमिनेशन कर दे ले हूं, सब लड़ता हूं भारतीय जनता पार्टी। नहीं नहीं, देखिए हमने तो देखी नहीं, आपने देख लियो तो अलग बात है, जनता के सामने तो वो दूसरी लिस्ट आई नहीं ना। आपको तो लड़ना नहीं है ना मीनाक्षी जी, आप लड़ रही कहीं से क्या, आप नहीं, आपका नाम नहीं है तो उसके मतलब आप नहीं लड़ रही है, जिनका नाम है वो लड़ रहे हैं, उनको उनको ए बी फॉर्म मिल गया है, वो लड़ने गए। अच्छा, आपकी बात जनता पार्टी है, सोचिए माने दूसरों के घर में ताता झांकी करती है कि लिस्ट आई कि नहीं आई। अरे भैया आप जनता की बात करो ना, जनता ने आपको चुना था, जनता ने चुना था कि आप कोरोना हो जाए, इसलिए कहते हैं ना यहाँ पे जो स्वस्थ स्वस्थ है एकदम ध्वस्त पा, झूठ के बोल बाला बा, झूठ का एकदम। सुनिए सुनिए, अब जयशंकर जी की सुन लेते हैं, ठीक है जयशंकर जी, एक एक नाम गिनाते गए, सुनिए अब अनुराग जी आपने अपनी बात देखिए पूरी कर ली ना। जयशंकर जी, उन्होंने बार बार ये कहा, भ्रष्टाचार की बात की, महंगाई की बात की, गुंडा राज की बात की, उन्होंने तो उल्टा आपकी पार्टी पर आरोप लगाया, और एक नहीं कई सारे वार किए, महंगाई से लेकर जनता के तमाम मुद्दे गिना दिए। जयशंकर जी की आवाज है, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनाए थे, और आज जोगी जी जो ये भूमाफियाओं की बात करते हैं, आज जोगी जी उनकी जमीनों को खाली करा करके आज गरीबों का आवास बना रहे हैं उस पर। ये नौकरी इनके इनके समय में तो नौकरी नीलाम होती थी, एक ये एक जिला विशेष के लोग, एक जाति विशेष के लोग नौकरी पाते थे, आज जो है जोगी जी के राज्य में एक अरे हमारे साथ गाइए। अनुराग जी आप लगातार बोलते रहेंगे, जनता को सुनाई नहीं देगा। जयशंकर जी की आवाज आ रही थी। पंकज जी,
पंकज जी देखिए, लड़ाई अभी फिलहाल जो दिखाई दे रही है, जो इस डिबेट में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, उस उत्तर प्रदेश की लड़ाई में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? ये कहीं नहीं रहे, साढ़े चार वर्षों में जनता के सुख दुख में एक मिनट पंकज श्रीवास्तव जी की आवाज है, थोड़ा शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश में पहली बार 40% टिकट महिलाओं को देकर एक नई राजनीति शुरू हुई है, जिसका असर आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। ये आधी आबादी के लिए पूरा आकाश पाने की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई दल नहीं टिक रहा है, और उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस समय प्रियंका गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी हो रही है। आने वाले दिनों में आपको इसका असर, लेकिन प्रियंका जी तो पोस्ट पोल अलायंस की बात अभी से कर रही है पंकज जी, पोस्ट पोल अलायंस की बात तो वो अभी से कर रही है, अब बीजेपी को तो वो साथ देने वाली नहीं पोजीशन है। अगर आप कोई हाइपोथेटिकल सवाल पूछेंगे कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, तो हमने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो अभियान चलाया है उसमें जाहिर है सभी पदों के लिए जगह है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसी सैद्धांतिक पोजीशन रखी है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र में भी वही चल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को जिस तरीके से, इस देश के संविधान का अपमान किया है, जिस तरह से इस देश की संस्थाओं का अपमान किया है, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन पूरे देश में चलने की जरूरत है। नहीं, लेकिन पंकज जी मैं क्यों आपसे पूछूं, देखिए पोस्ट पोल अलायंस की बात ऐसा नहीं है कि केवल प्रियंका गांधी से ही पूछी गई, पोस्ट पोल अलायंस की बात अखिलेश यादव से भी पूछी गई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो उस स्थिति के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस। नहीं देखिए, ये हर आदमी के जवाब देने का तरीका होता है। पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस समाजवादी पार्टी ने कितना किया है इसको मैं यहाँ बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी समाजवादी पार्टी की यात्रा पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस के जरिए ही यहां तक पहुंची है, पूरा इतिहास है उसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यह जरूर बताऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पिछला जो संकल्प पत्र है 2017 का, इस समय उसको पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और विधानसभा में खड़े होकर इन्होंने खुद माना है कि केवल 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, उसमें कितने संविदा कर्मी है वो अलग बात है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 12 लाख सरकारी है और 8 लाख उसमें महिलाएं होंगी। ये एक नई बात है, उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति करने की शुरुआत हुई है जिसको, जिसके केंद्र में कांग्रेस पार्टी है। ठीक है मलूक नागर जी, जितनी ईमानदारी की बात पंकज श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, वाकई में उतनी ईमानदारी से प्रियंका जी ने ये जवाब दिया था, या प्रियंका जी भी जानती हैं कि ये लड़ाई तो जो है, इस लड़ाई से कम से कम कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है जहां पर सपा और बीजेपी है? नहीं देखिए, आप कोई क्या, नहीं मेरा सवाल मलूक जी से था पंकज जी, मेरा सवाल मलूक जी से था। मलूक जी क्या 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 मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि प्रियंका गांधी जो पोस्ट पोल अलायंस की बात कर रही हैं, यही सवाल पोस्ट पोल अलायंस को लेकर अखिलेश यादव से भी पूछा गया था कि वो अलायंस करेंगे किसी से, तब उन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम तो उस स्थिति के बारे में सोच नहीं रहे। वही प्रियंका गांधी कहती है हम अलायंस करेंगे, अब वो अलायंस की बात करती है तो ये तो तय है ना कि कम से कम बीजेपी के साथ तो वो नहीं जाएंगी, दूसरी पार्टी कौन सी बचती है आप बताएं। देखिए ये तो क्लियर बात है, पिछले 30 सालों के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर सोचा जाए और कांग्रेस के बारे में अगर बात करी जाए तो वो तो बिल्कुल क्लियर है सभी को ही कि उनकी कहीं कुछ स्थिति है ही नहीं, चाहे प्रीपोन हो चाहे पोस्टपोन हो, किस तरीके से करेंगे। तो वो जो जवाब दिया उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही दिया, लेकिन पोस्ट वाला लाइन की नौबत आती है मलूक जी, तो आप लोग की पार्टी कहां जाएगी? हम तो इस स्थिति में आएंगे कि बीजेपी का पूरा नाराज वोटर किसी भी कीमत में सपा और लोकदल के गठबंधन को नहीं जाएगा, पूरा हमें मिलेगा। और दलित जो है बहन जी को देवी मानते हैं, और जिनको हमने टिकट दिए उनकी 25-30% हैं, तो हम तो अपनी सरकार बनाने की स्थिति में हैं। और 2007 से पहले जो सर्वे आए थे 50 से कम सीट दिखा रहे थे हमारी, और वो पूरी सरकार बनी थी। और 1993 से आज तक जो हम अस्तित्व में रहे हैं, हमारी कभी भी सर्वे में जो स्थिति दिखाई है उससे कई गुना हमने परफॉर्मेंस करी है, इसलिए हम तो सोच भी नहीं सकते उस बारे में, हमारी तो सरकार बनाने की स्थिति है। अब देखिए अनुराग जी, उन्होंने कह दिया कि दलित जितने वोटर हैं वो मायावती जी को देवी मानते हैं, टिकट उनको दिया है जिनकी संख्या 25-30% की है। अब सरकार तो कोई एक ही बना सकता है ना, या तो आप बनाने का दावा कर सकते हैं या बीएसपी बनाने का दावा कर सकती है। देखिए समाजवादी पार्टी, पहली हमने बता दिया कि हम जात धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखते,
हम उत्तर प्रदेश की विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, उत्तर प्रदेश को रोजगार देने जो युवा है उसको विश्वास रखते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और वर्ल्ड के मैप में उत्तर प्रदेश तारा की तरह चमके इसमें विश्वास रखते हैं। तभी हमने एक्सप्रेस वे यहाँ बनाए थे, तभी मेट्रो यहाँ पे बनाई थी, जो आज एग्जाम्पलरी वर्क है, लोग उसकी नकल कर रहे हैं। रिवर फ्रंट हमने बनाया, लोग उसकी नकल कर रहे हैं। जिस तरह का स्टेडियम उत्तर प्रदेश में नहीं था, हमने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए, हॉस्पिटल हमने बनाए। यही बात, यही तो तारीफ की बात है कि मायावती जी भी ये कहती हैं कि जो रास्ता हमने दिखाया उस पर सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। देखिए वो कौन क्या कहता है ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय यह है कि हम उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार दें। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार मीनाक्षी जी मुझे बोलने का मौका देना प्लीज। आईटी इंडस्ट्री में रोजगार देंगे, हम आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे बैठाएंगे, जैसे हमने लखनऊ में एचसीएल लगाया था, वैसे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हम इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा, मलूक जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर आप वापस रिस्पॉन्ड करेगा मलूक जी। जी देखिए, जो जाति धर्म की बात ये कर रहे हैं, अगर ये ईमानदारी से सोचे तो पूरा ये दो जगह केंद्रित है, यादवों पे और दूसरे कुछ लोगों पे। और जहां तक भारत देश के संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने भाषण में ये कहा था, पिछड़ों को हमने, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार और तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं, इतने मंत्री बनाए हैं और दलितों में से इतने मंत्री बनाए। ईमानदारी अगर ये बरते तो खासकर पूरे देश में भी और उत्तर प्रदेश में तो खास करके जाति धर्म की बात चल रही है, ये बिल्कुल सही बात है। अब अनुराग जी देखिए, हाँ देखिए कौन क्या बोलता है, देखो अपना अपना देखने का नजरिया होता है। हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो किस जात के लोग उस पर चलते हैं, जरा ये बता दें किस जाति धर्म के लोग चलते हैं एक्सप्रेस वे पे। मेट्रो हमने बनाई है, किस जाति धर्म के लोग उस पर चलते हैं बता दें जरा कोई भी। हमने इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है और यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया, किस जाति धर्म के लोग चलते हैं। हमने 100 डायल बनाया, पुलिस का जो सिस्टम मजबूत किया था, किस जाति धर्म के लिए बनाया हमने। 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया था, किस जाति धर्म के लिए बनाया, सबने बनाए किस जाति धर्म के लिए बनाया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए जाति धर्म की राजनीति समाजवादी नहीं करते, समाजवादी विकास की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, वो चाहती है चर्चा झूठी बनी रहे। क्योंकि मैंने बोला ना कि झूठ के बोलबाला बा आ जनता लाचार बा, इसलिए अखिलेश का प्रहार बा, भाजपा के सरकार यही बढ़िया बोल बा, भाजपा के हार बा, 10 तारीख के सरकार समाजवादी के सरकार बा, 10 मार्च के समाजवादी के सरकार बा, अब भाजपा के लोटा गोल बा, भाजपा जी लीजिए भाजपा के लोटा गोल बा। ये देखिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये जो 4.5 साल तक ये लोग कहीं दिखे नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, 2 वर्षों से कोरोना काल में लोग मर रहे थे, इनके नेता आप इनका नेता और अनुराग भाई खुद ये केवल ट्वीट कर रहे थे जो है मोबाइल से बता दो। और ये अनुराग जी एक मिनट जयशंकर जी, अनुराग जी देखिए थोड़ा सुना भी करिए ना, जयशंकर जी इतनी देर बाद अब बोले हैं, बोलिए जयशंकर। अरे उनके पास बोलने को है नहीं कुछ, क्या बोलेंगे वो चुप है तो ज्यादा। और ये सरकार का सम्मान बना रहता है, सरकार का निर्णय किया था, आप देखिए कि इनके समय में जो यहाँ पर स्थापित जो फैक्ट्री के लोग थे वो भी यहाँ कल कारखाना छोड़ करके भाग रहे थे। आज जो है मोबाइल की कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग कंपनी, आज चाइना से अपनी फैक्ट्री बंद करके नोएडा में निर्माण शुरू कर दिए। आज हजारों नौजवानों को रोजगार आज जो है इस सैमसंग कंपनी में मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी आज उत्तर प्रदेश में रोजगार स्थापित कर रही है, कानून का राज स्थापित हुआ है। और इनके समय में इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई थी कि जेल से अपराधी डीजीपी से मिलने तक चले जाते थे, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल में या क्रिकेट खेल रहे हैं। आज अनुराग जी आज ये सही कह रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश ये सही कह रहे हैं, रुपया से ज्यादा का यहाँ पर इन्वेस्टर के माध्यम से यहाँ निर्माण हो रहा है। अनुराग जी बात जल्दी से पूरी कर ले, फिर मैं कोई छोटी सी टिप्पणी के लिए मलूक जी के पास भी जाना है। जी
अच्छा आप उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। अब उत्तर प्रदेश के जेलों से जेल के अंदर भी मर्डर हो रहे हैं, रोड पे तो हो रहे हैं, जेल में भी हो रहे हैं। दूसरी बात, सैमसंग फैक्ट्री की बात कर रहे थे प्रभु, समाजवादी लगवाई थी, थोड़ा कुछ पढ़ लेते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।